आज हम बनाएंगे पास्ता जो बहुत जल्दी भी बन सकता है और सिंपल भी है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। कढ़ाई में डालेंगे रिफाइंड ऑयल। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे दो अंडा। अंडा की मैं भुजिया बना रही हूँ सिर्फ गार्निशिंग के लिए। अगर आप चाहते हैं तो आप पास्ता के साथ मिला भी सकते हैं। देखिए अंडा भुजिया मैंने बना लिया है। अब भुजिया को एक प्लेट में हम शिफ्ट कर देंगे। अब उसी कढ़ाई में डालेंगे हम रिफाइंड ऑयल। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ बीन्स। बीन्स को हम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। बीन्स फ्राई होने के बाद हम इसमें डालेंगे कैप्सिकम। कैप्सिकम को मैंने क्यूब साइज में काट लिया है। इसको भी 1 मिनट तक हम पकाएंगे। फिर कढ़ाई में डालेंगे गाजर जूलियन साइज में कटा हुआ। इसको सब्जी के साथ बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। फिर कढ़ाई में डालेंगे नमक और कुटी हुई काली मिर्च। नमक और काली मिर्च को बहुत अच्छे से हम मसाले के साथ मिला लेंगे और इसको 3 मिनट तक हम पकाएंगे। फिर हम इसमें डालेंगे क्यूब साइज में कटा हुआ प्याज। प्याज को बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे और इस प्याज को 1 मिनट तक हम पकाएंगे। फिर हम कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस और 1 चम्मच सोया सॉस। दोनों सॉस को बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। फिर कढ़ाई में डालेंगे टमाटर सॉस। टमाटर सॉस को भी बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। सॉस को डालने के बाद ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, तो अब हम इसमें डालेंगे बॉईल किया हुआ पास्ता। पास्ता को मैंने पहले से नमक और रिफाइंड ऑयल डाल के बॉईल कर लिया है। पास्ता को सब्जी के साथ बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे और ध्यान रखें आंच हमेशा धीमी होना चाहिए। पास्ता को सब्जी के साथ बहुत अच्छे से हम टॉस कर लेंगे और इसको 2 मिनट तक पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है। हमारा पास्ता बनके बिल्कुल तैयार है। अब इसको गर्मा गर्म परोसें।